तो ये है हमारे होम शेफ जो इतने मज़ेदार खाना बनाते हैं। और जैसे हम अम्मीज किचन में कोकनी खाना बनाते हैं, वैसे ताई सोलापुरी खाना बनाते हैं। और उनकी फेवरेट डिश उन्होंने बताया कि भरलेली भिंडी है, मतलब स्टफ्ड की हुई जो भिंडी होती है, लेडी फिंगर, वो उनकी फेवरेट है। ये है हमारी मीना ताई और ये आज बनाने वाले हैं भरली वांगी। और क्या बनाने वाले हैं? भाकरी, भाकरी, ज्वारी की भाकरी। हमारे पुणे के ऑर्गेनिक बैंगन है, इनको ऐसे बीच में से काटेरी वांगे, तो ये काटेरी वांगे हैं। इसको देखिए, यहाँ पे छोटे से काटे हैं, इसको ऐसे कट कर दिया है। अब इसको मसाला बनेगा। ये काय करता तुम्ही ताई? शेंगदाणे भाजते। टमाटे, लसूण, कोथिंबीर मिक्सरमधनं काढायचं आणि शेंगदाण्याचं कूट करून ते सगळं मिक्स करून मिरची, मिरची पावडर, हळदी पावडर, मीठ, हे सगळं मिक्स करून मसाला त्याच्यामध्ये भरायचं वांग्यामध्ये। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि टमाटर, लसन, कोथमीर और ये जो हमने शेंगदाने भुने हैं ये, और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, इसका सबका एक मोटा मोटा पेस्ट बनाना है और फिर हम इसको इस बैंगन में भरेंगे। बन चुका ये जास्त है इतना जास्त टाका मसाला वगैरह। वो बोल रहे हैं अगर आपका जो मसाला है वो उतना क्वांटिटी होना चाहिए जितना आप बैंगन लेते हैं। तो अभी हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, नमक डाल रहे हैं, मिर्ची पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया। अब ये भरना शुरू कर दिया हमने, एकदम टाइट पैकिंग करनी है। दिल खोल के भरिए। ये ऐसे एकदम ग्रेवी आपको बनाना है, गाढ़ा या पतला रखना है तो उतना आपको पानी डालना है। और ये एक्स्ट्रा जो मसाला बच गया था उसी की ग्रेवी बनेगी। अब हम कढ़ाई में ये तेल डाल के, ये कौन सा तेल है? घोड़ा तेल। घोड़ा तेल मतलब नॉर्मल जो अपना मीठा तेल होता है, सेंगना वो वाला तेल है। अब ये जैसे गरम होगा इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। गरम हो चुका, हमने इसमें जीरा डाला है, लहसुन डाल दिया और अभी हम इसमें लहसुन डालेंगे। एक बार थोड़ा सा लाल हो गया फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो भरे हुए बैंगन थे ये हमने डाल दिया। प्यार से इसको घुमाइए, मसाला निकलना नहीं चाहिए। ये हमको करीब 2-3 मिनट तक इसको भूनना है। अगर आपके बैंगन ठीक से भुने नहीं है तो पानी की वजह से सारा अंदर का स्टफिंग बाहर आ जाएगा, तो आपको कम से कम 2 या 3 मिनट तक आपको ये भूनना जरूर होगा। और जो पेस्ट है जिसमें हमने पानी डाला है, तो अगर आपको इसमें गरम मसाला डालना है तो आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं, मतलब जब ये बॉईल हो रहा है एंड ऑलमोस्ट डन है